भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म अध्याय 31 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीम चमालाम। रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम सपदरमणम प्रावीशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाल ही रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। नारद जी की यह कथाएं महाराज प्रथु बड़ी श्रद्धा एवं मनोयोग से सुन रहे हैं, साथ ही अपनी जिज्ञासाओं का समन भी कर रहे हैं। अब उन्हें भीष्म पंचक व्रत का महात्म जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने नारद जी से इस प्रकार कहा, हे देवर्षि, आप सर्व ज्ञाता है। अब भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, उसके विषय में मुझे बताएं। यह किस कारण से इतना प्रसिद्ध हुआ, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी कहते हैं कि हे महाराज प्रथु, यह व्रत अनादि काल से था परंतु बीच में लुप्त हो गया था। इसका पुनः उदय कैसे हुआ, यह वृत्तांत सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम किया था। इसी कारण इसका नाम भीष्म पंचक व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वे विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका हृदय से आदर तथा सत्कार किया। तत्पश्चात वे भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने आगमन का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म पितामह को बताया। तब भीष्म पितामह बोले, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मेरी कुछ उत्सुकता का समाधान करें। आप तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी केवल पांडवों की तरफ से ही दूत बनकर के क्यों आए हैं, तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम है, इसका क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत तप जप दान पुण्य अथवा यज्ञ किया है, अथवा ऐसा कौन सा वशीकरण उनके पास है
जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं। यह सुनकर के भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह गुप्त रहस्य है तथा मैं आपकी उत्सुकता शांत अवश्य करूंगा। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसी कारण हे गंगा पुत्र मैं उनके वश में हूं। हे मधुसूदन, अब मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है, कृपा करके बताइए कि वह कौन सा व्रत है जिसे करने से आप वश में हो जाते हैं। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपको पूरा वृत्तांत सुनाता हूं। काशी नगरी में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं और काशी नगरी का चारों ओर सभी बड़ा गुणगान करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में पांच ब्राह्मण थे। इनके नाम है कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस। ये पांचों सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में जाकर के उन्होंने अपनी गायन विद्या द्वारा खूब धन अर्जित किया। अपने भ्रमण काल के समय वे मथुरा नगरी के राजा सुवीर के राज्य में पहुंचे। उनकी राज्यसभा में अपनी संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा थी। चार दिन उपवास कर वे परम पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा के संबंध में संपूर्ण जानकारी ली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा की एक कादंबरी नाम की भोग पत्नी, जो संगीत विद्या में निपुण और मधुर गायन करने वाली है, नित्य केवल राजा के मनोरंजन के लिए नृत्य एवं गायन करती है। उसका रूप लावण्य एवं यौवन अद्वितीय है। यह सुनकर के वे पांचों उस स्थान पर जा खड़े हुए जहां से कादंबरी के नृत्य तथा गायन के स्वर सुनाई देते थे। तत्पश्चात वे राजा के पास आने जाने वालों के मध्य खड़े होकर के इस प्रकार कहने लगे, बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि यहां के राजा के पास दक्ष संगीत कला एवं गायन का ज्ञाता नहीं है। कादंबरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार तक कसे नहीं हुए हैं। यह बात उड़ती उड़ती राजा के कानों तक पहुंची। तब राजा ने उन पांचों को बुलाया जहां कादंबरी का नृत्य हो रहा था। पांचों ने वहां खुद पहुंच करके राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आसनों पर विराजित हो गए। कादंबरी ने उन्हें संगीत एवं नृत्य विद्या में प्रवीण समझ करके उनके सम्मान में अपना एक अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। हे गंगा पुत्र, जब उसने चक्र में ताल दी तब ब्राह्मणों ने उसे रोका। कादंबरी ने चक्र छोड़ करके ताल का यथा योग्य प्रतिउत्तर दिया किंतु चक्र खंडित न किया। कादंबरी की इस कला एवं उसके इस मरूप माधुर्य पर वे पांचों ब्राह्मण मोहित हो उठे। कादंबरी भी उन पांचों के गुणों पर मोहित हो गई। उसी रात्रि उसने एक सखी के माध्यम से उन पांचों तक यह संदेश भेजा कि उनमें से एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना तट पर समीप वृक्ष के घिरे अनंत नामक निर्जल तीर्थ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करे। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। ब्राह्मण कला प्रेमी एवं गुणवंत संगीतकार थे और कादंबरी से प्रभावित भी थे, अतः उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म जी, मेरा एक भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से दूर वहां आकर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत कर रहा था और उसी देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कवि नाम का बड़ा भाई उस देवालय में आया। कादंबरी भी उस समय वहां पर पहुंच गई। वहां मेरा भक्त जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी वैसे ही मेरा पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर उसने गायन का आरंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि मेरे अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था,
अतः उसे गायन और कादंबरी को नृत्य करते देख लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। प्रातः काल होने पर मेरे भक्त ने गोबर से आचमन किया। कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी उसे देख करके वैसा ही किया। कादंबरी अपने महल को जा चुकी थी। हे गंगा पुत्र, मेरे भक्त की संगति, रात्रि जागरण और मेरी श्रद्धा से पूजन करने से कवि के समस्त पाप नष्ट हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी ब्रह्मचारी की भांति देखा देखी की उसी प्रकार मेरा पूजन किया। फिर रात भर कादंबरी के साथ नृत्य गायन कर सुबह उसने गोमूत्र का आचमन किया। तत्पश्चात उसने भी अपना समस्त धन दान कर दिया और वह सन्यासी बन गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादंबरी के नृत्य गायन एवं रूप लावण्य को देख करके ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ है, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। हे भीष्म जी, इस प्रकार त्रयोदशी को दृढ़, चतुर्दशी को दंत एवं पूर्णिमा को हंस भी वहां पर आया। उन्होंने भी अपने दोनों बड़े भाइयों की भांति पूजन करके रात्रि भर नृत्य गायन किया। दूसरे दिन विरक्त हो गए। उनमें से दृढ़ ने गोदुग्ध का आचमन किया, दंत ने ब्रह्मचारी से बचे घी का आचमन किया और हंस नामक छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करने के बाद यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन का व्रत किया। हे गंगा पुत्र, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। उधर जब राजा को कादंबरी के नृत्य प्रति महल से जाने का समाचार मिला तो उसने उसे महल में बंद कर दिया। कार्तिक मास में हमारे समक्ष नृत्य गायन करके फलस्वरूप ही अगले जन्म में कादंबरी द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के नीचे श्राद्धादि कर्म करने के कारण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी जागरण करने के कारण कवि अर्जुन बने। शुचि सहदेव बने। दंत नकुल और दृढ़ नामक ब्राह्मण भीम हुआ। हे भीष्म जी, पूर्व जन्मों में पांचों पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हुआ हूं। नारद जी ने राजा प्रथु से कहा कि हे राजन, कलाकार को संयमी और आस्थावान होना चाहिए। उन पांचों ब्राह्मणों में यही गुण था। इस प्रकार यहां पर कार्तिक मास के अध्याय 31 की कथा का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैसे तो कार्तिक मास कथा में 35 अध्याय बताए गए हैं। यदि आप अगले 4 अध्यायों की कथा सुनना चाहते हैं निरंतर प्रतिदिन, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें, तो हम आपके लिए आगे की कथा प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा कथा को यहीं पर अध्याय 31 के रूप में विराम प्रदान करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम 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 रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री
श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।